आवारा इज ए 2012 बंगाली रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म। इट इज ए रीमेक ऑफ द 2008 तेलुगु मूवी कृष्णा, हैविंग रवि तेजा एंड त्रिशा कृष्ण इन द लैंड रोल्स। डायरेक्टेड बाय रवि किनेगी, असिस्टेंट डायरेक्टर पथिरकर्ति बसु एंड प्रोड्यूस्ड बाय द श्री वेंकटेश फिल्म। एंड दिस फिल्म स्टार्स जीत एंड शंतिका बनर्जी इन लैंड रोल्स। इन दिस फिल्म खराज मुखर्जी एज मदन इम्प्रेस्ड द ऑडियंस। द फिल्म इज ए प्लेस्ड लिस्ट ऑफ हाइएस्ट ग्रोसिंग बंगाली फिल्म। एंड डायरेक्टेड बाई दिस मूवी रवि किनेगी, स्क्रीन प्ले बाई दिस एन के सेल, प्रोड्यूस बाई द श्री वेंकटेश फिल्म, स्टार्टिंग द जीत शंतिका बनर्जी, मुकुल देव, आशीष विद्यार्थी, एडिट बाय द मोहनमंद कलाम, म्यूजिक बाय जीत गांगुली देवसेन, प्रोडक्शन कंपनी इज द श्री वेंकटेश फिल्म, डायरेक्टेड बाय द श्री वेंकटेश फिल्म, रिलीज डेट ऑफ द 13 जुलाई 2012, रनिंग टाइम ऑफ द 160 मिनट, इज द लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड लैंग्वेज ऑफ बंगाली एंड कंट्री ऑफ इंडिया। दिस मूवी प्लॉट इज द फिल्म इज अबाउट सूर्य नारायण जीत, हु वाज वंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बट क्वाइट दिस जॉब ऑफ गिव टू हिज पुअर फ्रेंड एंड इट इज ए अनएम्प्लॉयड ऑफ द सिटी ऑफ कोच बिहार। पुलुमी इज द गर्ल फ्रॉम द कोलकाता हु स्टडीज इन कॉलेज एंड कम्स टू कोच बिहार फॉर हर वैक्सेंस टू स्टे विद हर एल्डर ब्रदर मदन मोहन एंड हिज वाइफ। सूर्या फॉल्स इन लव विद पुलुमी एट द फर्स्ट साइट ऑफ द रेन्स मेला एंड स्टार्ट केसिंग हर टू विन हर हार्ट एंड इन इधर द अपर्स प्रोटेक्शन ऑफ देयर हाउस इज टेंस विद दिस एल्डर ब्रदर अपोंडर नारायणा एंड सिस्टर इज लव इन दिस प्रोसेस। सूर्या विल हैव क्लास विद लोकल रोडी सना पंचा मस्कटिंग हिम टू बी वन ट्रोपोई पोलुमी हेट्स हिम फर्स्ट बट लेटर ऑन सी रियलाइज हिज ट्रू नेचर सी रिटर्न टू कोलकाता एंड लाइफ विद हर ओल्डर ब्रदर्स ए फॉर्मर बिल्डर्स द नाउ ए वेरी पावरफुल रोडी हुज वेरी प्रोसेस एंड protective about his sister. Surya follows Pulumi to Kolkata and works his way into their house with the help of Madan Mohan and finally both of them causes their loves their Surya know the flashback and Pulumi and how she is being changed by the natures and clear Tony Bharadwaj assisted by the uncle for the marriage. Surya fights Tony, Pulumi's older brothers kills Tony and Surya marries Pulumi. Cast: Jeet, Surya Narayana is the role in this movie, Santika Pulumi is the role of in this movie, Mukul Dev, Tony Bharadwaj who control all the local MLAs and ministers, Asis Vidyarthi, इंद्रजीत, खराज मुखर्जी, मदन मोहन, कमालिका बनर्जी, मदन मोहन स्वाइफ, सुप्रिया दत्ता, गुनोगदर चक्रवर्ती एंड टोनी अंकल्स, विश्वजीत चक्रवर्ती, अपेंद्र नारायणा, सूर्यस बरदार, तुलिका बोश, सूर्यस सिस्टर्स इन लॉ, विश्वास बसु, सूर्यस फ्रेंड, तमल रॉय चौधरी, सनातन पंजा, सुभाष मुखर्जी। द मैन हु गिव्स रूम्स ऑफ द रेंट ऑफ सूर्या इज पुलुमी, मौसमी दास, प्रशंता डॉटर्स, ऋतु दोई बुबई अमुंदर दा, सूर्या स्निपर्स, राजा गांगुली, प्रसेंट क्रिसमस ऑफ द म्युनिसिपल्स कॉरपोरेशन और अरुण बनर्जी एडवोकेट ड्यूएल भूमिक। साउंड ट्रैक:
रिलीज ऑफ 13 जुलाई 2012, रिकॉर्डेड 2012 एंड लैंग्वेज ऑफ बंगाली, लेबल ऑफ SVF, प्रोड्यूसर ऑफ श्री वेंकटेश फिल्म्स। आवारा द सॉन्ग रिलीज 2012 जून 2012, पोरले मोने रिलीज 22 जून 2012, मोनिर रेडियो रिलीज 27 जून 2012, फुल कोली रिलीज 3 जुलाई 2012, जीत गांगुली जाने मन 2012, आवारा 2012 एंड पगलू 2012, देव सिंह कैनगोलॉजी ऑफ द आवारा 2012, दीवाना 2013। ऑल म्यूजिक कंपोज बाय जीत गांगुली, देव सिंह। And then after I tell you this movie of reference, Awara's movie is the release cast and release date in Meerut. Book My Show and bookshow.com later within 23 October 2012. And then after I will tell you comeback of this movie actors Jeet. Jeet's character is very very clear, and Jeet is an Indian actor of the producer television and presenter who is product ministry work of Bengali cinema. He is one of the biggest star in Bengali cinema. And Jeet is born is Jashipa Morgan, 30 November 1978, Kalighat, Kolkata. Jeet is nationality of India. Jeet is occupation of actors, model of singers, producer. And Jeet network is Sathi. Notable work, Sathi, Awara, The Royal Bengal Tiger, Boss Born of Rules, Boss to Back to Rules, Sultan the Sorveer. Suspense, Supposes, Sponses, Mohan Ratlani, Children 1, and Award Full List, Website Jeet. Career, Jeet started his modeling career in 1993. He is the first acting assignment was 1994-95, a Bengali TV serial directed by the Vishnu Palachudri. He made his big screen debut with Chandu 2001. His Telugu film is the first success. Came in 2002 opposite Priyanka Tridevi. Through Sathi, a highly successful romantic drama directed by Harinath Chakraborty, for which he won the Bengal Film Journalist Association Most Promising Actor Award and Lok Award is the best actor in the same year of the acted in the Bengali remake of Jo Jita Wahi Sikandar. This initial success was followed by the other critical and commercial success, including The Nature Guru and Snake Bandhna and Yodha. In 2005, he acted alongside Koyal Malik in Nature Guru, which relates to critical and commercial success in featured him is the second and Mandaloka the award, the best actor. This success was short-lived in Jeet started in some commercial failure, including the Istantra, Priyottama and Ghatak. But this failure was short-lived in Jeet started in Jor, which has become box office hit. 2010 proved to be commercially successful years for Jeet, as he started in Wanted and Dui Prithibi, both of which were critically and commercially successful venture, the latter being the highest grosses of 2010 according to a study conducted by FICCI and Deloitte. In 2013, he appeared in the crime thriller Boss Born of the Rule, which was Jeet's first pan-India release. The film provided to be one of the biggest hits in the 2013, grossing of 67.5 million and also earned him his first Family Fair Awards East nomination. From 2014 to 2016, he was starred in many films, including four critically and commercially successful ventures and the psychological thrillers, The Royal Bengal Tiger,
एंड कॉमेडी ट्रेलर। बच्चन द एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन एंड मोर रिसेंटली द एक्शन ड्रामा अभिमान एंड द 2018 द एक्शन थ्रिलर फिल्म भागबंदी किला रिलीज ऑन 16 नवंबर 2018। इन टेलीविजन एज ही अपीयर्ड इन सेवरल रियलिटी शो ही आल्सो होस्टेड सम इंक्लूडिंग कोटी टेक्स बाजी एंड बिग बॉस बंगला। पर्सनल लाइफ जीत वाज बोर्न इन टू ए सिंधली फैमिली ही हैड रिस्पोंडली रिपोर्टेड बीन द रिलेशनशिप विद हिज द को स्टार स्वास्तिका मुखर्जी ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ फिल्म मस्तान। जी सब्सिक्वेंटली मैरिड मोहन रत्नाली ए स्कूल टीचर फ्रॉम लखनऊ इंडिया 24 फरवरी 2011। दे बिकम पेरेंट्स इज टू द डॉटर्स ऑफ 20,000 to 12 दिसंबर। फिल्मोग्राफी 1993 and 1995। जीत स्टार्टेड विद मॉडलिंग असिस्मेंट एंड देन शिफ्टेड टू सेवरल लाइक in 1994-95 directed by Vishnu Planchuduri in the which is played Trishan in Jani by the Vishnu in which of the played Anil and Durgahars of country by Tapan Sinha in which he was cast in the roles of Chimpaya and कंदाबिनी। 2001 to 2024 जीत कैलिब्रेटेड ऑफ द हरनाथ चक्रवर्ती एंड नेचर गुरु विच हैड ए ड्योचन स्कोयल मलिक इन द फीमेल लीड्स ही लेटर्स एक्सेप्टेड विद प्रियंका त्रिदेवी इन द फर्स्ट सेंगी रिलीज 14 जून 2003 in 2004। His first film was the with Reema Sen named the Shakti. His other film is the year including Premi, Mastan Across and Bandhan 2005 to 2008. In 2005 he acted in Yodha along with Mastan Chakrabarti, Deb Shri Roy and Koyal Malik. In 2005 Jeet collected boarded with Koyal Malik in Subha Drishti and Manik, both directed by Prabhat Roy. Jeet won the Antelope Awards for Best Actor for Manik. Jeet again acted with Koyal Malik in two consecutive films, Ghatak and Hero. He played Govindal in Royal Sen is the directional वेंचूर कृष्ण कांता विल विच स्टार्टेड स्वास्तिका मुखर्जी एंड मोनाली ठाकुर एज द फीमेल लीड्स। हिज नेक्स्ट फिल्म वाज हरिशिता भट्ट टाइटल्स द विदहलार लेखा विच इज द स्टार्टेड द प्रियंशु चटर्जी एज द मैन एंटोनिस्ट। द फिल्म एक्सप्लोर टू लवर्स एंड देयर रिलेशनशिप इन देयर लास्ट लाइफ ऑफ द लॉर्ड हेडकम ऑफ टू ट्रेजिक एंड द पेयर कॉन्फ्रोनेंट ईच अदर्स अगेंस्ट इन द करंट इन करेक्शन ही अगेंस्ट क्लेबोर्ड्स विद द स्वास्तिका मुखर्जी फॉर द फिल्म पार्टनर एंड 2008 जीत कलेक्ट बोर्ड विद बरसा प्रिय सुदर्शन सेन जोर विच मेड इन द बुगेस्ट 1.25 crores 7 weeks इन दियर एंड प्रोविड टू विद हिट इन द बॉक्स ऑफ ऑफिस। जीत एप्रिएटेड विद कोयल मलिक इन द फिल्म स्टार द पेक बंधा एंड नील अक्षर चंदानी। द ही स्टार्टेड ही दो प्रतिवी विच वॉज रिलेटेड ऑन 14 अक्टूबर 2010। द्वि प्रतिवी वाज ए हाइएस्ट ग्रोसर 2010 अकॉर्डिंग टू स्टडी ऑफ कंडक्टिव ऑफ द FICCI एंड डिलोट।
Jitnak started the of the Sarbanti Chatterjee in The Fighter, the remake of the Telugu film The Lakshyam. He works with Nature Guru, with Nusrat Jahan and the Raja Chakrabarti's actors come soon. Sotru, which was remake of the Tamil film Singham. Roshni Mukherjee of the film The Times of India gives the film a positive review. Jeet respected with the Priyanka Tridevi and Hello Mohsabhibd. 2012, he becomes a producer with the movies of 100% Love, in which also acted together with Koyal Malik. His second film of 2012 and with Santika Bajanerjee and Awara, which was the highest grossing film of year 2012-2013, appeared in the gangster action film Boss the Sub Shri Ganguly, which was the remake of Mahesh Babu's and Businessman. Although the film received the mixed reviews from the critics, Jaya Bishwas of the Times of India wrote that Jeet can the decide the fight of the most of the will. Jeet won the Kalakar Awards of the Knife King of the Tollywoods. The film for the also nominated to the Best Actor of the Ilagrul Ceremony of the Film Fair Award of the East. Awara is a 2012 Bengali romantic action comedy film. It is a remake of the 2008 Telugu movie Krishna, having Ravi Teja and Trisha Krishan. In the land rules directed by Ravi Kinagi, assistant director Pathirkarthi Basu, and produced by the Sri Venkatesh film. And this film stars Jeet and Shantika Banerjee. In land rules, in this film, Kharaz Mukherjee as Madan impressed the audience. The film is a placed list of highest grossing Bengali films. And directed by this movie, Ravi Kinagi. Screenplay by this N.K. Seal. Produced by the Sri Venkatesh film. Starting the Jeet, Shantika Banerjee, Mukul Dev, Ashish Vidyarthi. Edited by the Mohanmand Kalam. Music by Jeet Ganguly, Dev Sen. Production company is the Sri Venkatesh film. Directed by the Sri Venkatesh film. Release date of the 13 July 2012. Running time of the 160 minutes. Is the language of India and language of Bengali and country of India. This movie plot is the film is about Surya Narayan Jeet, who was once of software engineer, but quite this job of give to his poor friend, and it is a unemployed of the city of Koch Bihar. Pulumi is the girl from the Kolkata who studies in college and comes to Koch Bihar for her vacations to stay with her elder brother Madan Mohan. And his wife Surya falls in love with Pulumi at the first sight of the rains Mela and starts kissing her to win her heart and in either the uppers. Protection of their house is tense with this elder brother Apunder Narayana. And sister is love. In this process, Surya will have class with local Rodi Sana Pantya, musketing him to be one tropoi. Pulumi hates him first, but later on she realizes his true nature. She returns to Kolkata and lives with her older brother, a former builder, the now a very powerful Rodi, who is very possessive and protective about his sister. Surya follows Pulumi to Kolkata and works his way into their house with the help of Madan Mohan, and finally both of them cross their loves. There Surya knows the
flashback and Polumi and how she is being changed by the natures and clear Tony Bharadwaj assisted by the uncle for the marriage. Surya fights Tony. Polumi's older brothers kills Tony and Surya marries Polumi. Cast: Jeet, Surya Narayana is the role in this movie. Santika Polumi is the role of in this movie. Mukul Dev, Tony Bharadwaj, who control all the local MLAs and ministers. Ashish Vidyarthi, Inderjeet. Kharaj Mukherjee, Madan Mohan. Kamalika Banerjee, Madan Mohan's wife. Supriya Datta, Gunugadhar Chakrabarti, and Tony uncles. Biswajit Chakrabarti, Apinder Narayana, Surya's brother. Tulika Bose, Surya's sister-in-law. Biswas Basu, Surya's friend. Tamal Roy Chowdhury. Sanatan Panja, Subhas Mukherjee. The man who gives rooms of the rent of Surya's is Polumi. Mausimi Dash, Prashanta daughters. Ritu Doi, Bubai, Abundarda, Surya's nippers. Raja Ganguly, Percent Christmas of the Municipal Corporation. Or Arun Banerjee, Advocate Dual Bhumik. Soundtrack: Release of 13 July 2012, recorded 2012, and language of Bengali. Label of SVF. Producer of Sri Venkatesh Films. Awara the song, released 2012 June 2012. Porle Mone, released 22 June 2012. Monir Radio, released 27 June 2012. Full Koli, released 3 July 2012. Jeet Ganguly, Jaane Man 2012, Awara 2012, and Paglu 2 2012. They've seen Kengology of the Awara 2012, Diwana 2013. All music composed by Jeet Ganguly, Davis Sen. And then after I tell you this movie of reference, Awara's movie is the release cast and release date in Merit. Book My Show and bookshow.com retrieved in 23 October 2012. And then after I will tell you comeback of this movie actors Jeet. Jeet's character is very very clear, and Jeet is an Indian actor of the producer television and presenter who is product ministry work of Bengali cinema. He is one of the biggest star in Bengali cinema. And Jeet is born is Jashipa Morgan, 30 November 1978, Kalighat, Kolkata. Jeet is nationality of India. Jeet is occupation of actors, model of singers, producer. And Jeet network is Sathi, notable work Sathi, Awara, The Royal Bengal Tiger, Boss Born of Rules, Boss to Back to Rules, Sultan the Sorveer. Suspense, supposes, sponsors, Mohan Ratlani, Children 1, and Award Full List, website Jeet. Career: Jeet started his modeling career in 1993. His first acting assignment was 1994-95, a Bengali TV serial directed by the Vishnu Palachudri. He made his big screen debut with Chandu 2001. His Telugu film, his the first success, came in 2002, opposite Priyanka Tridevi. Thurushati, a highly successful romantic drama directed by Harinath Chakrabarti, for which he won the Bengal Film Journalist Association Most Promising Actor Award and
एंड लॉक अवार्ड इज द बेस्ट एक्टर इन द सेम ईयर ऑफ द एक्टेड इन द बंगाली रीमेक ऑफ जो जीता वही सिकंदर द दिस इनिशियल सक्सेस वॉज फ्लोविड बाई द अदर क्रिटिकल एंड कॉमर्शियल सक्सेस इंक्लूडिंग द नेचर गुरु एंड स्नेक बंदना एंड योद्धा. In 2005, he acted alongside Koyal Malik in Nature Guru, which relates to critical and commercial success in featured him is the second and Mandaloka the award the best actor. This success was short-lived in Jeet started in some commercial failure, including the Istantra, Priyottama and Ghatak. But this failure was short-lived in Jeet started in Jor, which it become box office hit. 2010 proved to be commercially successful years for Jeet as he started in Wanted and Dui Prithibi, both of which were critically and commercially successful venture, the latter being the highest grosses of 2010 according to a study conducted by FICCI and Deloitte. In 2013 he appeared in the crime thriller Boss Bone of the Rule, which was Jeet's first pan-India release. The film proved to be one of the biggest hits in the 2013, grossing 67.5 million and also earned him his first Family Fair Awards East nomination. From 2014 to 2016, he was started in many films, including four critically and commercially successful ventures and the psychological thrillers, The Royal Bengal Tiger and comedy thriller Bachchan, the action comedy Bhasha the Dawn, and more recently the action drama Abhiman and the 2018 the action thriller film Bhagbandi Kehla, released on 16 November 2018. In television, as he appeared in several reality shows, he also hosted some, including Koti Takes Baji and Big Boss Bangla. Personal life: Jeet was born into a Sindhi family. He had reported been the relationship with his co-star Swastika Mukherjee during the shooting of film Mastaan. Jeet subsequently married Mohan Ratnali, a school teacher from Lucknow, India, 24 February 2011. They become parents is to the daughters of 2012 and 12 December. Filmography: 1993 and 95. Jeet started with modeling assignment and then shifted to several like in 1994-95 directed by Vishnu Planchuduri, in the which is played Trishan in Jani by the Vishnu, in which of the played Anil and Durgahars of Country by Tapan Sinha, in which he was cast in the roles of Chimpaya and Kandambini. 2001 to 2004, Jeet calibrated of the Haranath Chakrabarti and Nature Guru, which had a Deochan Koyal Malik in the female leads. He later exited with Priyanka Tridevi in the first Sengi, released to 14 June 2003. In 2004, his first film was the with Reema Sen named the Sakti. His other film is the year including Premi, Mastaan, Across and Bandhan 2005 to 2008. In 2005, he acted in Yodha along with Mastaan Chakrabarti, Dev Shri Roy, and Koyal Malik. In 2005, Jeet collaborated with Koyal Malik in Subha Drishti and Manik, both directed by Prabhat Roy. Jeet won the
एनेंडलोक अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्टर फॉर मनिक जीत अगेन एक्टेड विद कोयल मलिक इन टू कंसेस्टिव फिल्म्स घातक एंड हीरो ही प्लेड्स गोविंदाल इन रॉयल सेन इज द डायरेक्शनल वेंचूर कृष्ण कांता विल विच स्टार्टेड स्वास्तिका मुखर्जी एंड मोनाली ठाकुर एज द फीमेल लेड लीड्स हिज नेक्स्ट फिल्म वाज हरिशिता भट्ट टाइटल्स द बिदहलार लेख विच इज द स्टार्टेड द प्रियंशु चटर्जी एज द मैन एंटोनिस्ट द फिल्म एक्सप्लोर टू लवर्स एंड देयर रिलेशनशिप इन देयर लास्ट लाइफ ऑफ द लॉर्ड हेडकम ऑफ टू ट्रेजिक एंड द पेयर कॉन्फ्रोनेंट ईच अदर्स अगेंस्ट इन द करंट इन कनेक्शन ही अगेंस्ट कलरबोर्ड्स विद द स्वास्तिका मुखर्जी फॉर द फिल्म पार्टनर एंड 2008 जीत कलेक्ट बोर्ड विद बरसा प्रिय सुदर्शन सेन जोर विच मेड इन द बुगेस्ट 1.25 crores सेवन वीक्स इन दियर एंड प्रोविड टू बी हिट इन द बॉक्स ऑफ ऑफिस जीत एप्रिएटेड विद कोयल मलिक इन द फिल्म स्टार द पेग बंधा एंड नील अक्षर चंदानी द ही स्टार्टेड ही दू प्रतिवी विच वॉज रिलेटेड ऑन 14 अक्टूबर 2010 द्वि पृथ्वी वाज ए हाइएस्ट ग्रोसर 2010 अकॉर्डिंग टू स्टडी ऑफ कंडक्टिव ऑफ द FICCI एंड डिलोट जीत नेक स्टार्टेड ऑफ द सरबंती चटर्जी इन द फाइटर द रीमेक ऑफ द तेलुगु फिल्म द लक्ष्य ही वर्क्स विद नेचर गुरु ने विद नुसरत जहान एंड द राजा चक्रवर्ती एक्टर्स कम शत्रु विच वाज रीमेक ऑफ द तमिल सैम सिंगम रोशनी मुखर्जी ऑफ द फिल्म द टाइम्स ऑफ इंडिया गिव्स द फिल्म पॉजिटिव रिव्यू जीत रिस्पेक्टेड ऑफ विद द प्रियंका त्रिदेवी एंड हेलो मोसाहिब्ड 2012 ही बिकम्स ए प्रोड्यूसर विद द मूवीज ऑफ 100% लव इन विच आल्सो एक्टेड टूगेदर द विद कोयल मलिक ही सेकेंड फिल्म ऑफ 2012 एंड विद संतिका बजनर्जी एंड आवारा विच वॉज द हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ ईयर 2012-2013 अप्रिटेड इन द गैंगस्टर एक्शन फिल्म बोस द शुभ श्री गांगुली विच वॉज द रीमेक ऑफ महेश बाबूस एंड बिजनेस मैन ऑल्दो द फिल्म रिसीव्ड द मिक्सड रिव्यूज फ्रॉम द क्रिटिक्स जया विश्वास ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया रोट दैट जीत कैन द डिसाइड द फाइट ऑफ मोस्ट ऑफ विल जीत वॉन द कलाकार अवार्ड्स ऑफ द नाइफ किंग ऑफ द टॉलीवुड द फिल्म फॉर द आल्सो नॉमिनेटेड टू द बेस्ट एक्टर ऑफ द इलागुरुल क्रेमोनिटी ऑफ द फिल्म फेयर अवार्ड ऑफ द ईस्ट आवारा इज ए 2012 बंगाली रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म इट इज़ ए रीमेक ऑफ द 2008 तेलुगु मूवी कृष्णा हैविंग रवि तेजा एंड त्रिशा कृष्ण इन द लैंड रूल्स डायरेक्टेड बाय रवि किनेगी असिस्टेंट डायरेक्टर पथिरकृति बसु एंड प्रोड्यूस्ड बाय द श्री वेंकटेश फिल्म एंड दिस फिल्म स्टार्स जीत एंड शंतिका बनर्जी इन लैंड रूल्स इन दिस फिल्म खराज मुखर्जी एज मदन इम्प्रेस्ड द ऑडियंस द फिल्म इज ए प्लेस्ड लिस्ट ऑफ हाइएस्ट ग्रोसिंग बंगाली फिल्म एंड डायरेक्टेड बाई दिस मूवी रवि किनेगी स्क्रीन प्ले बाई दिस एन के सेल प्रोड्यूस बाई द श्री वेंकटेश फिल्म स्टार्टिंग द जीत शंतिका बनर्जी मुकुल देव आशीष विद्यार्थी एडिट बाई द मोहनमंद कलाम म्यूजिक बाई जीत गांगुली देवशैन प्रोडक्शन कंपनी इज द श्री वेंकटेश फिल्म डायरेक्टेड बाई द श्री वेंकटेश फिल्म डायरेक्ट रिलीज डेट ऑफ द 13 जुलाई 2012
रनिंग टाइम ऑफ द 160 मिनट इज द लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड लैंग्वेज ऑफ बंगाली एंड कंट्री ऑफ इंडिया. दिस मूवी प्लॉट इज द फिल्म इज अबाउट सूर्य नारायण जीत हु वाज वंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बट क्वाइट दिस जॉब ऑफ गिव टू इज पुअर फ्रेंड एंड इट इज ए अनएम्प्लॉयड ऑफ द सिटी ऑफ कोच बिहार. पुलुमी इज द गर्ल फ्रॉम द कोलकाता हु स्टडीज इन कॉलेज एंड कम्स टू कोच बिहार फॉर हर वैक्सीन टू स्टे विद हर एल्डर ब्रदर मदन मोहन एंड हिज वाइफ सूर्या फॉल्स इन लव विद पुलुमी एट द फर्स्ट साइट ऑफ द रेन्स मेला एंड स्टार्ट केसिंग हर टू विन हर हार्ट एंड इन इधर द अपर्स प्रोटेक्शन ऑफ देयर हाउस इज टेंट्स विद दिस एल्डर ब्रदर अपॉन्डर नारायणा एंड सिस्टर इज लव इन दिस प्रोसेस सूर्या विल हैव क्लास विद लोकल रोडी सना पंचा मस्कटिंग हिम टू बी वन त्रोपोई पोलुमी हेट्स him first but later on she realizes his true nature. She returns to Kolkata and lives with her older brother, a former builder, the now a very powerful roadie who is very possessive and protective about his sister. Surya follows Pulumi to Kolkata and works his way into their house with the help of Madan Mohan and finally both of them causes their loves their Surya know the flashback and Pulumi and how she is being changed by the natures and clear Tony Bharadwaj assisted by the uncle for the marriage Surya fights Tony Pulumi's older brothers kills Tony and Surya marries Pulumi. Cast: Jeet, Surya Narayana is the role in this movie. Santika Pulumi is the role of in this movie. Mukul Dev, Tony Bharadwaj, who control all the local MLAs and ministers. Asis Vidyarthi, Inderjeet, Kraj Mukherjee, Madan Mohan, Kamalika बनर्जी मदन मोहन स्वाइव सुप्रिया दत्ता गुनोगदर चक्रवर्ती एंड टोनी अंकल्स विश्वजीत चक्रवर्ती अपेंद्र नारायणा सूर्यस बरदार तुलिका बोस सूर्यस सिस्टर्स इन लॉ विश्वास बसु सूर्यस फ्रेंड तमल रॉय चौधरी सनातन पंजा सुभाष मुखर्जी द मैन हु गिव्स रूम्स ऑफ द रेंट ऑफ सूर्यास इज पुलुमी मौसमी दास प्रशंता डॉटर्स ऋतु दोए बुबई अमुंदर द सूर्यास निपर्स राजा गांगुली परसेंट क्रिसमस ऑफ द म्युनिसिपल्स कॉरपोरेशन और अरुण बनर्जी एडवोकेट ड्यूएल भूमिक साउंड ट्रैक रिलीज ऑफ 13 जुलाई 2012 रिकॉर्डेड 2012 एंड लैंग्वेज ऑफ बंगाली लेबल ऑफ SVF प्रोड्यूसर ऑफ श्री वेंकटेश फिल्म्स आवारा द सॉन्ग रिलीज 2012 जून 2012 पोरले मोने रिलीज 22 जून 2012 मोनिर रेडियो रिलीज 27 जून 2012 फुल कोली रिलीज 3 जुलाई 2012 जीत गांगुली जाने मन 2012 आवारा 2012 एंड पगलू 2012 देव सीन कैनगोलॉजी ऑफ द आवारा 2012 दीवाना 2013 ऑल म्यूजिक कंपोज्ड बाय जीत गांगुली देव सीन एंड देन आफ्टर आई टेल यू दिस मूवी ऑफ रेफरेंस आवारा मूवी इज द रिलीज कास्ट एंड रिलीज डेट इन मेरठ बुक माई शो एंड बुक शो डॉट कॉम रिटर्विड इन 23 अक्टूबर 2012
एंड देन आफ्टर आई विल टेल यू कम बैक ऑफ दिस मूवी एक्टर्स जीत. जीत इज कैरेक्टर इज वेरी वेरी क्लियर एंड जीत इन इंडियन एक्टर ऑफ द प्रोड्यूसर टेलीविजन एंड प्रेजेंटर हु इज प्रोडक्ट मिनिस्ट्री वर्क ऑफ बंगाली सिनेमा. ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार इन बंगाली सिनेमा. एंड जीत इज बोर्न इज जशिपा मोर्गन 30 नवंबर 1978 कालीघाट कोलकाता. जीत इज नेशनलिटी ऑफ इंडिया. जीत इज ऑक्यूपेशन ऑफ एक्टर्स मॉडल ऑफ सिंगर्स प्रोड्यूसर एंड जीत नेटवर्क साथी नोटेबल वर्क साथी आवारा द रॉयल बंगाल टाइगर बॉस बोर्न ऑफ रूल्स बॉस टू बैक टू रूल्स सुल्तान द सोरवीर सस्पेंस सपोशस स्पोसिस मोहन रतलानी चिल्ड्रन वन एंड अवार्ड फुल लिस्ट वेबसाइट जीत कैरियर. जीत स्टार्ट इज मॉडलिंग कैरियर इन 1993. ही द फर्स्ट एक्टिंग असिस्मेंट वाज 1994-95 ए बंगाली टीवी सीरियल डायरेक्टेड बाय द विष्णु पलचुदरी. ही मेड हिज बिग स्क्रीन डेब्यू विद चंदू 2001. इस तेलुगु फिल्म हिज द फर्स्ट सक्सेस केम इन 2002 अपोजिट प्रियंका त्रिदेवी. थ्रू साथी ए हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा डायरेक्टेड बाय हरिनाथ चक्रवर्ती फॉर विच ही वून द बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रोमिसिंग एक्टर अवार्ड एंड लॉक अवार्ड इज द बेस्ट एक्टर इन द सेम ईयर ऑफ द एक्टेड इन द बंगाली रीमेक ऑफ जो जीता वही सिकंदर. दिस इनिशियल सक्सेस वॉज फ्लोविड बाई द अदर क्रिटिकल एंड कॉमर्शियल सक्सेस इंक्लूडिंग द नेचर गुरु एंड स्नेक बंदना एंड योद्धा. In 2005, he acted alongside Koyal Malik in Nature Guru, which led to critical and commercial success in featured him is the second and Mandaloka the award the best actor. This success was short-lived in Jeet started in some commercial failure, including the Istantra, Priyottama and Ghatak. But this failure was short-lived in Jeet started in Jor. Which it become box office hit. 2010 proved to be commercially successful years for Jeet as he started in Wanted and Dui Prithibi, both of which were critically and commercially successful venture, the latter being the highest grosses of 2010 according to a study conducted by FICCI and Deloitte. In 2013 he appeared in the crime thriller Boss Bone of the Rule, which was Jeet's first pan-India release. The film proved to be one of the biggest hits in the 2013, grossing 67.5 million and also earned him his first Family Fair Awards East nomination. From 2014 to 2016, he was started in many films, including four critically and commercially successful ventures and the psychological thrillers, The Royal Bengal Tiger and comedy thriller Bachchan, the action comedy Bhasha the Dawn, and more recently the action drama Abhiman and the 2018 the action thriller film भागबंदी किला रिलीज ऑन 16 नवंबर 2018. इन टेलीविजन एज ही अपीयर्ड इन सेवरल रियलिटी शो ही आल्सो होस्टेड सम इंक्लूडिंग कोटी टेक्स बाजी एंड बिग बॉस बंगला. पर्सनल लाइफ जीत वाज बोर्न इनटू ए सिंधली फैमिली. ही हैड रेस्पॉन्डली रिपोर्टेड बीन द relationship with his co-star Swastika Mukherjee during the shooting of film Mastaan. Jeet subsequently married Mohan Ratnali, a school teacher from Lucknow, India, 24 February 2011. They become
पेरेंट्स इज टू द डॉटर्स ऑफ 20,000 to 12,000 12 December. फिल्मोग्राफी 1993 and 1995. जीत स्टार्टेड विद मॉडलिंग असिस्मेंट एंड देन शिफ्टेड टू सेवरल लाइक से इन 1994-95 डायरेक्टेड बाय विष्णु प्लंचुदुरी इन द विच इज प्लेड ट्रेशियन इन जनी बाय द विष्णु इन विच ऑफ द प्लेड अनिल एंड दुर्गाहर्ष ऑफ कंट्री बाय तपन सिन्हा इन विच ही वाज कास्ट इन द रूल्स ऑफ चिंपाया एंड कंदाबिनी 2001-2004 जीत कैलिब्रेटेड ऑफ द हरनाथ चक्रवर्ती एंड नेचर गुरु विच हैड ए ड्योचन स्कोयल मलिक इन द फीमेल लीड्स ही लीड लेटर्स एक्सेप्टेड विद प्रियंका त्रिदेवी इन द फर्स्ट सेंगी रिलीज 14 June 2003 in 2004. His first film was the with Reema Sen named the Sakti. His other film is the year including Premi, Mastan Across and Bandhan 2005 to 2008. In 2005 he acted in Yodha along with Mastan Chakrabarti, Deb Shri Roy and Koyal Malik. In 2005 Jeet collect boarded with Koyal Malik in Subha Drishti and Manik, both directed by Prabhat Roy. Jeet won the Anandlok Awards for Best Actor for Manik. Jeet again acted with Koyal Malik in two consecutive films, Ghatak and Hero. He played Govindal and Royal Sen is the directional वेंचूर कृष्ण कांता विल विच स्टार्टेड स्वास्तिका मुखर्जी एंड मोनाली ठाकुर एज द फीमेल लीड्स हिज नेक्स्ट फिल्म वाज हरिशिता भट्ट टाइटल्स द बिदहलार लेखा विच इज द स्टार्टेड द प्रियंशु चटर्जी एज द मैन एंटोनिस्ट द फिल्म एक्सप्लोर टू लवर्स एंड देयर रिलेशनशिप इन देयर लास्ट लाइफ ऑफ द लॉर्ड हेडकम ऑफ टू ट्रेजिक एंड द पेयर कॉन्फ्रोनेंट ईच अदर्स अगेंस्ट इन द करंट इन करेक्शन ही अगेंस्ट क्लेबोर्ड्स विद द स्वास्तिका मुखर्जी फॉर द फिल्म पार्टनर एंड 2008 जीत कलेक्ट बोर्ड विद बरसा प्रिय सुदर्शन सेन जोर विच मेड इन द बुगेस्ट 1.25 crores 7 weeks इन दियर एंड प्रोविड टू बी हिट इन द बॉक्स ऑफ ऑफिस जीत एप्रिएटेड विद कोयल मलिक इन द फिल्म स्टार द पेक बंधा एंड नील अक्षर चंदानी द ही स्टार्टेड ही दू प्रतिवी विच वॉज रिलेटेड ऑन 14 October 2010. द्वी पृथ्वी वाज ए हाईएस्ट ग्रोसर 2010 अकॉर्डिंग टू स्टडी ऑफ कंडक्टिव ऑफ द FICCI एंड डिलोट जीत नेक स्टार्टेड ऑफ द सरबंती चटर्जी इन द फाइटर द रीमेक ऑफ द तेलुगु फिल्म द लक्ष्यम ही वर्क्स विद नेचर गुरु विद नुसरत जहान एंड द राजा चक्रवर्ती एक्टर्स कम शत्रु विच वाज रीमेक ऑफ द तमिल फिल्म सिंघम रोशनी मुखर्जी ऑफ द फिल्म द टाइम्स ऑफ इंडिया गिव्स द फिल्म पॉजिटिव रिव्यू जीत रिस्पेक्टेड ऑफ विद द प्रियंका त्रिदेवी एंड हेलो मोसाहिब्ड 2012 ही बिकम्स ए प्रोड्यूसर विद द मूवीज ऑफ 100% लव इन विच आल्सो एक्टेड टूगेदर द विद कोयल मलिक ही सेकेंड फिल्म ऑफ 2012 एंड विद संतिका बजनर्जी एंड आवारा विच वॉज द हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ ईयर 2012-2013 अप्रिटेड इन द गैंगस्टर एक्शन फिल्म बोस द शुभ श्री गांगुली विच वॉज द रीमेक ऑफ महेश बाबूस एंड
बिजनेसमैन। ऑल्दो द फिल्म रिसीव्ड द मिक्स्ड रिव्यूज फ्रॉम द क्रिटिक्स, जया विश्वास ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया रोट दैट जीत कैन द डिसाइड द फाइट ऑफ मोस्ट ऑफ विल जीत वॉन द कलाकार अवार्ड्स ऑफ द नाइफ किंग ऑफ द टॉलीवुड्स। द फिल्म फॉर द ऑल्सो नॉमिनेटेड टू द बेस्ट एक्टर ऑफ द इलागुरल क्रेमोनिटी ऑफ द फिल्म फेयर अवार्ड ऑफ द ईस्ट। आवारा इज ए 2012 बंगाली रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म। इट इज ए रीमेक ऑफ द 2008 तेलुगु मूवी कृष्णा, हैविंग रवि तेजा एंड त्रिशा कृष्ण इन द लैंड रूल्स, डायरेक्टेड बाय रवि किनेगी, असिस्टेंट डायरेक्टर पथिरकर्ति बसु एंड प्रोड्यूस्ड बाय द श्री वेंकटेश फिल्म। एंड दिस फिल्म स्टार्स जीत एंड शंतिका बनर्जी इन लैंड रोल्स। इन दिस फिल्म खराज मुखर्जी एज मदन इम्प्रेस्ड द ऑडियंस। द फिल्म इज ए प्लेस्ड लिस्ट ऑफ हाइएस्ट ग्रोसिंग बंगाली फिल्म एंड डायरेक्टेड बाई दिस मूवी रवि किनेगी, स्क्रीन प्ले बाई दिस एन के सेल, प्रोड्यूस बाई द श्री वेंकटेश फिल्म, स्टार्टिंग द जीत, शंतिका बनर्जी, मुकुल देव, आशीष विद्यार्थी, एडिट बाय द मोहनमंद कलाम, म्यूजिक बाय जीत गांगुली देवशैन, प्रोडक्शन कंपनी इज द श्री वेंकटेश फिल्म, डायरेक्टेड बाय द श्री वेंकटेश फिल्म, रिलीज डेट ऑफ द 13 July 2012, रनिंग टाइम ऑफ द 160 मिनट इज द लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड लैंग्वेज ऑफ बंगाली एंड कंट्री ऑफ इंडिया। दिस मूवी प्लॉट इज द फिल्म इज अबाउट सूर्या नारायण जीत, हु वाज वंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बट क्वाइट दिस जॉब ऑफ गिव टू इज पुअर फ्रेंड एंड इट इज ए अनएम्प्लॉयड ऑफ द सिटी ऑफ कोच बिहार। पुलुमी इज द गर्ल फ्रॉम द कोलकाता हु स्टडीज इन कॉलेज एंड कम्स टू कोच बिहार फॉर हर वैक्सेंस टू स्टे विद हर एल्डर ब्रदर मदन मोहन and his wife Surya falls in love with Polumi at the first sight of the rains Mela and starts kissing her to win her heart and in either the upper protection of their house is tense with this elder brother upon the Narayana and sister is love. In this process Surya will have class with local रोडी सना पंचा मस्कटिंग हिम टू बी वन त्रोपोई। पोलुमी हेट्स हिम फर्स्ट बट लेटर ऑन सी रियलाइज हिज ट्रू नेचर सी रिटर्न टू कोलकाता एंड लाइव विद हर ओल्डर ब्रदर्स ए फॉर्मर बिल्डर्स द नाउ ए वेरी पावरफुल रोडी हुज वेरी प्रोसेस एंड protective about his sister Surya follows Polumi to Kolkata and works his way into their house with the help of Madan Mohan and finally both of them cross their love dear Surya know the flashback and Polumi and how she is being changed by the natures and clear Tony Bharadwaj assisted by the uncle for the marriage. Surya fights Tony, Polumini's older brothers kills Tony and Surya marries Polumini. Cast: Jeet, Surya Narayana is the role in this movie, Santika Polumi is the role of in this movie, Mukul Dev, Tony Bharadwaj who control all the local MLAs and ministers, Asis Vidyarthi, Inderjeet, खराज मुखर्जी मदन मोहन, कमालिका बनर्जी मदन मोहन वाइफ, सुप्रिया दत्ता गुनोगदर चक्रवर्ती एंड टोनी अंकल्स विश्वजीत चक्रवर्ती, अपेंद्र नारायण सूर्यास बरदार, तुलिका बोश सूर्या सिस्टर्स इन लॉ,
विश्वास बसु सुरेश फ्रेंड, तमल रॉय चौधरी सनातन पंजा, सुभाष मुखर्जी द मैन हु गिव्स रूम्स ऑफ द रेंट ऑफ सुरेश पुलुमी, मौसमी दास प्रशंता डॉटर्स, ऋतु दोए बुबई अमुंदर दा सूर्यास न्यूपर्स, राजा गांगुली परसेंट क्रिसमस ऑफ द म्युनिसिपल्स कॉरपोरेशन, और अरुण बनर्जी एडवोकेट ड्यूएल भूमिक। साउंड ट्रैक रिलीज ऑफ 13 जुलाई 2012, रिकॉर्डेड 2012 एंड लैंग्वेज ऑफ बंगाली, लेबल ऑफ SVF, प्रोड्यूसर ऑफ श्री वेंकटेश फिल्म्स। आवारा द सॉन्ग रिलीज 2012 जून 2012, पोरले मोने रिलीज 22 जून 2012, मोनिर रेडियो रिलीज 27 जून 2012, फुल कोली रिलीज 3 जुलाई 2012, जीत गांगुली जाने मन 2012, आवारा 2012 एंड पगलू 2012, देव सिंह कैनगोलॉजी ऑफ द आवारा 2012, दीवाना 2013। ऑल म्यूजिक कंपोज्ड बाय जीत गांगुली देव सिंह। एंड देन आफ्टर आई टेल यू दिस मूवी ऑफ रेफरेंस, आवारा मूवी इज द रिलीज कास्ट एंड रिलीज डेट इन मेरठ, बुक माई शो एंड बुक शो डॉट कॉम रिटर्विड इन 23 अक्टूबर 2012। एंड देन आफ्टर आई विल टेल यू कम बैक ऑफ दिस मूवी एक्टर्स जीत। जीत इज कैरेक्टर इज वेरी वेरी क्लियर एंड जीत इन इंडियन एक्टर ऑफ द प्रोड्यूसर टेलीविजन एंड प्रेजेंटर हु इज प्रोडक्ट मिनिस्ट्री वर्क ऑफ बंगाली सिनेमा। ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार इन बंगाली सिनेमा। एंड जीत इज बोर्न इज जशिपा मोर्गन 30 नवंबर 1978, कालीघाट कोलकाता। जीत इज नेशनलिटी ऑफ इंडिया। जीत इज ऑक्यूपेशन ऑफ एक्टर्स मॉडल ऑफ सिंगर्स प्रोड्यूसर। एंड जीत नेटवर्क साथी नोटेबल वर्क साथी आवारा द रॉयल बंगाल टाइगर, बॉस बोर्न ऑफ रूल्स, बॉस टू बैक टू रूल्स, सुल्तान द सोरवीर। सस्पेंस सपोशस स्पॉन्सिस मोहन रतलानी, चिल्ड्रन वन एंड अवार्ड फुल लिस्ट वेबसाइट जीत। कैरियर जीत स्टार्ट हिज मॉडलिंग कैरियर इन 1993। हिज द फर्स्ट एक्टिंग असिजमेंट वाज 1994-95 ए बंगाली टीवी सीरियल डायरेक्टेड बाय द विष्णु पलचुधरी। ही मेड हिज बिग स्क्रीन डेब्यू विद चंदू 2001। इस तेलुगु फिल्म हिज द फर्स्ट सक्सेस केम इन 2002 अपोजिट प्रियंका त्रिदेवी। थ्रू साथी ए हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा डायरेक्टेड बाय हरिनाथ चक्रवर्ती, फॉर विच ही वोन द बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रोमिसिंग एक्टर अवार्ड एंड लॉक अवार्ड इज द बेस्ट एक्टर इन द सेम ईयर ऑफ द एक्टेड इन द बंगाली रीमेक ऑफ जो जीता वही सिकंदर। दिस इनिशियल सक्सेस वॉज फ्लोविड बाई द अदर क्रिटिकल एंड कॉमर्शियल सक्सेस इंक्लूडिंग द नेचर गुरु एंड स्नेक बंदना एंड योद्धा। इन 2005 ही एक्टेड अलोंगसाइड कोयल मलिक इन नेचर गुरु विच रिलेट्स टू क्रिटिकल एंड कॉमर्शियल सक्सेस इन फेचुड हिम इज द सेकेंड एंड मंडलोक द अवार्ड द बेस्ट एक्टर। दिस सक्सेस वॉज शॉर्ट लिव इन जीत स्टार्टेड इन सम कॉमर्शियल फेलियर इंक्लूडिंग द इष्टेंत्रा प्रियोत्तमा एंड घातक, बट दिस फेलियर वॉज शॉर्ट लिव्ड इन जीत स्टार्टेड इन जोर विच इज बिकम बॉक्स ऑफिस हिट। 2010 प्रोवाइड टू बी कॉमर्शियली सक्सेसफुल ईयर्स फॉर जीत एज ही स्टार्टेड इन वांटेड एंड द्वी पृथ्वी बोथ विच वीयर क्रिटिकली एंड कॉमर्शियली सक्सेसफुल वेंचर, द लेटर बींग द हाइएस्ट ग्रोसिस ऑफ 2010 अकॉर्डिंग टू स्टडी कंडक्टेड बाई FICCI एंड डिलॉट।
इन 2013 एप्रीरी इन द क्राइम थ्रिलर बॉस बॉर्न ऑफ द रूल विच वाज जीज फर्स्ट पेन इंडिया रिलीज द द फिल्म प्रोवाइड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट हाइट सी द 2013 ग्रोसिंग 67.5 मिलियन एंड ऑल्सो अर्न्ड हिम हिज फर्स्ट फैमिली फेयर अवार्ड्स ईस्ट नॉमिनेशन From 2014 to 2016, he was started in many films, including four critically and commercially successful ventures and the psychological thrillers, the Royal Bengal Tiger and comedy thriller Bachchan, the action comedy Bhasha the Dawn and more recently the action drama Abhiman and the 2018 the action thriller film भागबंदी किला रिलीज ऑन 16 नवंबर 2018. इन टेलीविजन एज ही अपीयर्ड इन सेवरल रियलिटी शो ही आल्सो होस्टेड सम इंक्लूडिंग कोटी टेक्स बाजी एंड बिग बॉस बंगला पर्सनल लाइफ जीत वाज बोर्न इनटू ए सिंधली फैमिली ही हैड रेस्पॉन्डली रिपोर्टेड बीन द relationship with his co-star Swastika Mukherjee during the shooting of film Mastaan. Ji subsequently married Mohan Ratnali, a school teacher from Lucknow, India, 24 February 2011. They become parents is to the daughters of 12 December. Filmography 1993 and 1995. Jeet started with modeling assignment and then shifted to several like say in 1994-95 directed by Vishnu Planchuduri in the which is played Treshihan in Jani by the Vishnu in which of the played Anil and दुर्गाहर्ष ऑफ कंट्री बाई तपन सिन्हा इन विच ही वाज कास्ट इन द रूल्स ऑफ चिंपाया एंड कंदाबिनी 2001-2004 जीत कैलिब्रेटेड ऑफ द हरनाथ चक्रवर्ती एंड नेचर ग्रुप विच हैड ए ड्योचन स्कोयल मलिक इन द फीमेल्स लीड्स ही लेटर्स एक्सेप्टेड विद प्रियंका त्रिदेवी इन द फर्स्ट सिंगी रिलीज 14 जून 2003 हिज फर्स्ट फिल्म वाज द विद रीमा सेन नेम्ड द शक्ति हिज अदर फिल्म इज द ईयर इंक्लूडिंग प्रेमी मस्तान एक्रोस एंड बंधन 2005-2008 In 2005, he acted in Yodha along with Mastaan Chakrabarti, Devshri Roy, and Koyal Malik. In 2005, Jeet collaborated with Koyal Malik in Subha Drishti and Manik, both directed by Prabhat Roy. Jeet won the Anandlok Awards for Best Actor for Manik. Jeet again acted with Koyal Malik in two consecutive films Ghatak and Hero. He played Govindal in Royal Sen is a directional venture Krishna Kanta Will which started Swastika Mukherjee and Monali Thakur as the female leads. His next film was Harishita Bhatt titles The Bidhalar Lekha which is the started the Priyansu Chatterjee as a man antagonist. The film explore two lovers and their relationship in their last life of the Lord had come of two tragic and the pair confront each others against in the current in correction he against Colorboards with the Swastika Mukherjee for the film partner and 2008 Jeet collect board with Barsha
बरसाप्रिय सुदर्शन सेन जोर विच मेड इन द बुगेस्ट 1.25 crores सेवन वीक्स इन दियर एंड प्रोविड टू बी हिट इन द बॉक्स ऑफ ऑफिस। जीत एप्रिडेड विद कोयल मलिक इन द फिल्म स्टार द पेग बंधा एंड नील अक्षर चंदानी। द ही स्टार्टेड ही दू प्रतिवी विच वॉज रिलेटेड ऑन 14 अक्टूबर 2010। द्वी पृथ्वी वाज ए हाइएस्ट ग्रोसर 2010 अकॉर्डिंग टू स्टडी ऑफ कंडक्टिव ऑफ द FICCI एंड डिलोट। जीत नेक स्टार्टेड ऑफ द सरबंती चटर्जी इन द फाइटर द रीमेक ऑफ द तेलुगु फिल्म द लक्ष्यम। ही वर्क्स विद नेचर गुरु ने विद नुसरत जहान एंड द राजा चक्रवर्ती एक्टर्स कम शत्रु विच वाज रीमेक ऑफ द तमिल फिल्म सिंगम। रोशनी मुखर्जी ऑफ द फिल्म द टाइम्स ऑफ इंडिया गिव्स द फिल्म पॉजिटिव रिव्यू। जीत रिस्पेक्टेड ऑफ विद द प्रियंका त्रिदेवी एंड हेलो मोसाहिब्ड 2012। ही बिकम्स ए प्रोड्यूसर विद द मूवीज ऑफ 100% लव इन विच आल्सो एक्टेड टूगेदर द विद कोयल मलिक। ही सेकेंड फिल्म ऑफ 2012 एंड विद संतिका बजनर्जी एंड अवारा विच वॉज द हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ ईयर 2012-2013 एप्रिटेड इन द गैंगस्टर एक्शन फिल्म बॉस द शुभ श्री गांगुली विच वॉज द रीमेक ऑफ महेश बाबूस एंड बिजनेस मैन। ऑल्दो द फिल्म रिसीव्ड द मिक्सड रिव्यूज फ्रॉम द क्रिटिक्स जया विश्वास ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया रोट दैट जीत कैन द डिसाइड द फाइट ऑफ मोस्ट ऑफ विल जीत वॉन द कलाकार अवार्ड्स ऑफ द नाइफ किंग ऑफ द टॉलीवुड। द फिल्म फॉर द आल्सो नॉमिनेटेड टू द बेस्ट एक्टर ऑफ द इलागुरल क्रेमोनिटी ऑफ द फिल्म फेयर अवार्ड ऑफ द ईस्ट। आवारा इज ए 2012 बंगाली रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म। इट इज ए रीमेक ऑफ द 2008 तेलुगु मूवी कृष्णा हैविंग रवि तेजा एंड त्रिशा कृष्ण इन द लैंड रूल्स डायरेक्टेड बाय रवि कनेगी असिस्टेंट डायरेक्टर पथिरकर्ति बसु एंड प्रोड्यूस्ड बाय द श्री वेंकटेश फिल्म एंड दिस फिल्म स्टार्स जीत एंड शंतिका बनर्जी इन लैंड रोल्स। इन दिस फिल्म खराज मुखर्जी एज मदन इम्प्रेस्ड द ऑडियंस। द फिल्म इज ए प्लेस्ड लिस्ट ऑफ हाइएस्ट ग्रोसिंग बंगाली फिल्म एंड डायरेक्टेड बाय दिस मूवी रवि कनेगी स्क्रीन प्ले बाय दिस एन के सेल प्रोड्यूस बाय द श्री वेंकटेश फिल्म स्टार्टिंग द जीत शंतिका बनर्जी मुकुल देव आशीष विद्यार्थी एडिट बाय द मोहनमंद कलाम म्यूजिक बाय जीत गांगुली देवशैन प्रोडक्शन कंपनी इज द श्री वेंकटेश फिल्म डायरेक्टेड बाय द श्री वेंकटेश फिल्म रिलीज डेट ऑफ द 13 जुलाई 2012। रनिंग टाइम ऑफ द 160 मिनट। इज द लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड लैंग्वेज ऑफ बंगाली एंड कंट्री ऑफ इंडिया। दिस मूवी प्लॉट इज द फिल्म इज अबाउट सूर्या नारायण जीत हु वॉज वंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बट क्वाइट दिस जॉब ऑफ गिव टू इज पुअर फ्रेंड एंड इट इज ए अनएम्प्लॉयड ऑफ द सिटी ऑफ कोच बिहार। पुलुमी इज द गर्ल फ्रॉम द कोलकाता हु स्टडीज इन कॉलेज एंड कम्स टू कोच बिहार फॉर हर वैक्सेंस टू स्टे विद हर एल्डर ब्रदर मदन मोहन and his wife Surya falls in love with Polumi at the first sight of the rains Mela and starts kissing her to win her heart and in either the uppers protection of their house is tense with this elder brother upon the Narayana and sister is love in this process Surya will have class with local रोडी सना पंचा मस्कटिंग हिम
टू बी वन ट्रोपोई पोलुमी हेट्स हिम फर्स्ट बट लेटर ऑन सी रियलाइज हिज ट्रू नेचर सी रिटर्न टू कोलकाता एंड लाइफ विद हर ओल्डर ब्रदर्स ए फॉर्मर बिल्डर्स द नाउ ए वेरी पावरफुल रोडी हुज वेरी प्रोसेसिव एंड प्रोटेक्टिव अबाउट हिज सिस्टर सूर्या फ्लोस पोलुमी टू कोलकाता एंड वर्क्स हिज वे इनटू देयर हाउस विद द हेल्प ऑफ मदन मोहन एंड फाइनली बोथ द देम कोसिस देयर लव्स देयर सूर्या नो द फ्लैशबैक एंड पोलुमी एंड हाउ सी हिज बीइंग चेंज्ड बाय द नेचर्स एंड क्लियर टोनी भारद्वाज असिस्टेंट बाय द अंकल फॉर द मैरिज सूर्या फाइट्स टोनी पोलुमिनीस ओल्डर्स ब्रदर्स किल्स टोनी एंड सूर्या मैरिज पोलुमनी कास्ट जीत सूर्या नारायणा इज द रोल इन दिस मूवी संतिका पोलुमी इज द रोल ऑफ इन दिस मूवी मुकुल देव टोनी भारद्वाज हु कंट्रोल ऑल द लोकल MLAs एंड मिनिस्टर्स आशीष विद्यार्थी इंद्रजीत खराज मुखर्जी मदन मोहन कमालिका बनर्जी मदन मोहन स्वाइफ सुप्रिया दत्ता गुनोगदर चक्रवर्ती एंड टोनी अंकल्स विश्वजीत चक्रवर्ती अपेंद्र नारायणा सूर्यस बरदार तुलिका बोश सूर्यस सिस्टर्स इन लॉ विश्वास बसु सूर्यस फ्रेंड तमल रॉय चौधरी सनातन पंजा सुभाष मुखर्जी द मैन हु गिव्स रूम्स ऑफ द रेंट ऑफ सूर्यस इज पुलुमी मौसमी दास प्रशंता डॉटर्स रितु दोए बुबई अमुंदर दा सूर्यास निपर्स राजा गांगुली परसेंट क्रिसमस ऑफ द म्युनिसिपल्स कॉरपोरेशन और अरुण बनर्जी एडवोकेट ड्यूएल भूमिक साउंड ट्रैक रिलीज ऑफ 13 July 2012 रिकॉर्डेड 2012 एंड लैंग्वेज ऑफ बंगाली लेबल ऑफ SVF प्रोड्यूसर ऑफ श्री वेंकटेश फिल्म्स आवारा द सॉन्ग रिलीज 2012 June 2012 पोरले मोने रिलीज 22 June 2012 मोनिर रेडियो रिलीज 27 June 2012 फुल कोली रिलीज 3 July 2012 जीत गांगुली जाने मन 2012 आवारा 2012 एंड पगलू 2012 देव सिंह कैनगोलॉजी ऑफ द आवारा 2012 दीवाना 2013 ऑल म्यूजिक कंपोज्ड बाय जीत गांगुली देव सिंह एंड देन आफ्टर आई टेल यू दिस मूवी ऑफ रेफरेंस आवारास मूवी इज द रिलीज कास्ट एंड रिलीज डेट इन मेरठ बुक माई शो एंड बुक शो डॉट कॉम रिटर्विड इन 23 October 2012 एंड देन आफ्टर आई विल टेल यू कम बैक ऑफ दिस मूवी एक्टर्स जीत जीत इज कैरेक्टर इज वेरी वेरी क्लियर एंड जीत इन इंडियन एक्टर ऑफ द प्रोड्यूसर टेलीविजन एंड प्रेजेंटर हु इज प्रोडक्ट मिनिस्ट्री वर्क ऑफ बंगाली सिनेमा ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार इन बंगाली सिनेमा एंड जीत इज बोर्न इज जशिपा मोर्गन 30 November 1978 कालीघाट कोलकाता जीत इज नेशनलिटी ऑफ इंडिया जीत इज ऑक्यूपेशन ऑफ एक्टर्स मॉडल ऑफ सिंगर्स प्रोड्यूसर एंड जीत नेटवर्क साथी नोटेबल वर्क साथी आवारा द रॉयल बंगाल टाइगर बॉस बोन ऑफ रूल्स बॉस टू बैक टू रूल्स सुल्तान द सोरवीर सस्पेंस सपोशस स्पॉन्सिस मोहन रतलानी चिल्ड्रन वन एंड अवार्ड फुल लिस्ट वेबसाइट जीत कैरियर जीत स्टार्ट इज मॉडलिंग कैरियर इन 1993 द फर्स्ट एक्टिंग असिजमेंट वाज 1994-95 ए बंगाली टीवी सीरियल डायरेक्टेड बाय द विष्णु
पल चौधरी ही मेड हिज बिग स्क्रीन डेब्यू विद चंदू 2001 इस तेलुगु फिल्म हिज द फर्स्ट सक्सेस केम इन 2002 अपोजिट प्रियंका त्रिदेवी थ्रू छाती ए हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा डायरेक्टेड बाय हरिनाथ चक्रवर्ती फॉर विच ही वोन द बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रोमिसिंग एक्टर अवार्ड एंड लॉक अवार्ड इज द बेस्ट एक्टर इन द सेम ईयर ऑफ द एक्टेड इन द बंगाली रीमेक ऑफ जो जीता वही सिकंदर दिस इनिशियल सक्सेस वाज फॉलोड बाय द अदर क्रिटिकल एंड कॉमर्शियल सक्सेस इंक्लूडिंग द नेचर गुरु एंड स्नेक बंदना एंड योद्धा In 2005, he acted alongside Koyal Malik in Nature Guru, which led to critical and commercial success in featured him is the second and Mandalok Award, the best actor. This success was short-lived in Jeet, started in some commercial failure, including the Istantra, Priyottama and Ghatak. But this failure was short-lived in Jeet, started in Jor, which is become box office hit. 2010 proved to be commercially successful years for Jeet as he started in Wanted and Dui Prithibi, both which were critically and commercially successful venture, the latter being the highest grosses of 2010 according to a study conducted by FICCI and Deloitte. In 2013 he appeared in the crime thriller Boss Born of the Rule, which was Jeet's first pan-India release. The film proved to be one of the biggest hits in the 2013, grossing 67.5 million and also earned him his first Family Fair Awards East nomination. From 2014 to 2016, he was started in many films, including four critically and commercially successful ventures and the psychological thrillers, The Royal Bengal Tiger and comedy thriller Bachchan, the action comedy Bhasha the Dawn, and more recently the action drama Abhiman and the 2018 the action thriller film Bhagbandi Kehla, released on 16 November 2018. In television, as he appeared in several reality shows, he also hosted some including Koti, Takes Baji and Big Boss Bangla. Personal life, Jeet was born into a Sindhi family. He had reported being the relationship with his co-star Swastika Mukherjee during the shooting of film Mastaan. Jeet subsequently married Mohan Ratnali, a school teacher from Lucknow, India, 24 February 2011. They become parents is to the daughters of 20,000 to 20,000 and 12 December. Filmography 1993 and 1995. Jeet started with modeling assignment and then shifted to several like in 1994-95 directed by Vishnu Planchuduri in the which is played Trishihan in Jani by the Vishnu in which of the played Anil and Durgahars of Country by Tapan Sinha, in which he was cast in the roles of Chimpaya and Kandambini. 2001 to 2004, Jeet calibrated of the Haranath Chakrabarti and Nature Guru, which had a Deochan Koyal Malik in the female leads. He later exited with Priyanka Tridevi in the first Sengi released to 14 June 2003 in 2004. His first film was the with Rima Sen named the Sakti
His other film is the year including Premi, Mastan, Across and Bandhan 2005 to 2008. In 2005, he acted in Yodha along with Mastan Chakrabarti, Deb Shri Roy and Koyal Malik. In 2005, Jeet collaborated with Koyal Malik in Subha Drishti and Manik. Both directed by Prabhat Roy, Jeet won the Analog Awards for Best Actor for Manik. Jeet again acted with Koyal Malik in two consecutive films, Ghatak and Hero. He played Govindal in Royal Sen is the directional venture Krishna Kanta Will, which started Swastika Mukherjee and Monali Thakur as the female leads. His next film was Harishita Bhatt, titles the Bidhalar Lekha, which is the started the Priyansu Chatterjee as the main antagonist. The film explores two lovers and their relationship in their last life of the Lahore had come of two tragic and the pair confront each other's against in the current in correction. He against collaborates with the Swastika Mukherjee for the film partner. In 2008, Jeet collaborated with Barsa Priya Sudarshan Sen Jor, which made in the biggest 1.25 crores 7 weeks in their end, proved to be the hit in the box office. Jeet appeared with Koyal Malik in the film starred the Pek Bandha and Neil Akshar Chandani. He started his Dupartivi, which was released on 14 October 2010. Dupartivi was a highest grosser in 2010 according to study of conducted of the FICCI and Deloitte. Jeet Naik started the Sarbanti Chatterjee in The Fighter, the remake of the Telugu film The Lakshyam. He works with Nature Guru, with Nusrat Jahan and the Raja Chakrabarti. Actors come Sotru, which was a remake of the Tamil film Singham. Roshini Mukherjee of the film The Times of India gives the film a positive review. Jeet respected with the Priyanka Tridevi and Hello Mosabhib. 2012, he becomes a producer with the movies of 100% Love, in which also acted together with Koyal Malik. His second film of 2012 and with Santika Bajanerji and Awara, which was the highest grossing film of year 2012-2013, appeared in the Gangster action film Boss the Sub Shri Ganguly, which was the remake of Mahesh Babu's and Businessman. Although the film received the mixed reviews from the critics, Jaya Vishwas of the Times of India wrote that Jeet can the decide the fight of the most of the will. Jeet won the Kalakar Awards of the Knife King of the Tollywoods. The film for the also nominated to the Best Actor of the Inaugural Ceremony of the Film Fair Award of the East. Awara is a 2012 Bengali romantic action comedy film. It is a remake of the 2008 Telugu movie Krishna, having Ravi Teja and Trisha Krishan. In the Land Rules, directed by Ravi Kinagi, assistant director Pathirkarthi Basu, and produced by the Sri Venkatesh Film. And this film stars Jeet and Shantika Banerjee. In Land Rules, in this film, Kharaz Mukherjee as Madan impressed the audience. The film is a placed list of highest grossing Bengali films.
एंड डायरेक्टेड बाय दिस मूवी रवि कनेगी, स्क्रीन प्ले बाय दिस एनके सेल, प्रोड्यूस बाय द श्री वेंकटेश फिल्म, स्टार्टिंग द जीत, शांतिका बनर्जी, मुकुल देव, आशीष विद्यार्थी, एडिट बाय द मोहनमंद कलाम, म्यूजिक बाय जीत गांगुली, देवसेन, प्रोडक्शन कंपनी इज द श्री वेंकटेश फिल्म, डायरेक्टेड बाय द श्री वेंकटेश फिल्म, रिलीज डेट ऑफ द 13 जुलाई 2012, रनिंग टाइम ऑफ द 160 मिनट, इज द लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड लैंग्वेज ऑफ बंगाली एंड कंट्री ऑफ इंडिया. दिस मूवी प्लॉट इज द फिल्म इज अबाउट सूर्य नारायण जीत, हु वाज वंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बट क्वाइट दिस जॉब ऑफ गिव टू हिज पुअर फ्रेंड एंड इट इज ए अनएम्प्लॉयड ऑफ द सिटी ऑफ कोच बिहार. Pulumi is the girl from the Kolkata who studies in college and comes to Koch Bihar for her vacations to stay with her elder brother Madan Mohan. And his wife Surya falls in love with Pulumi at the first sight of the rains Mela and starts kissing her to win her heart and in either the uppers. Protection of their house is tense with this elder brother upon the Narayana and sister is love. In this process Surya will have class with local Rodi Sana Pantya musketing him to be one tropoi. Pulumi hates him first but later when she realizes his true nature she returns to Kolkata and lives with her older brother, a former builder, the now a very powerful roadie who is very possessive and protective about his sister. Surya follows Pulumi to Kolkata and works his way into their house with the help of Madan Mohan, and finally both of them cross their love. Their Surya know the flashback and Pulumi and how she is being changed by the natures and clear Tony Bharadwaj assisted by the uncle for the marriage. Surya fights Tony, Pulumi's older brothers kills Tony and Surya marries Pulumi. Cast: Jeet, Surya Narayana is the role in this movie. Santika Pulumi is the role of in this movie. Mukul Dev, Tony Bharadwaj, who control all the local MLAs and ministers. Ashish Vidyarthi, Inderjeet, Kharaj Mukherjee, Madan Mohan, Kamalika बनर्जी, मदन मोहन स्वाइफ, सुप्रिया दत्ता, गुनोगधर चक्रवर्ती एंड टोनी अंकल्स, विश्वजीत चक्रवर्ती, अपेंद्र नारायणा, सूर्यस बरदार, तुलिका बोश सूर्यस सिस्टर्स इन लॉ, विश्वास बसु सूर्यस फ्रेंड, तमल रॉय चौधरी, सनातन पंजा, सुभाष मुखर्जी. द मैन हु गिव्स रूम्स ऑफ द रेंट ऑफ सूर्यास इज पुलुमी. मौसमी दास, प्रशंता डॉटर्स, ऋतु दोई बुबई अमुंदर दा सूर्यास निपर्स, राजा गांगुली, परसेंट क्रिसमस ऑफ द म्युनिसिपल्स कॉरपोरेशन और अरुण बनर्जी एडवोकेट ड्यूएल भूमिक. Soundtrack release of 13 July 2012, recorded 2012 and language of Bengali, label of SVF, producer of Sri Venkatesh Films. Awara the song released 2012 June 2012. Porle Mone released 22 June 2012. Monir Radio released 27 June 2012. Full Koli released 3 July 2012. Jeet Ganguly Jaane Man 2012, Awara 2012 and Paglu 2 2012, Devseen Kengology of the Awara 2012, Deewana
2013. All music is composed by Jeet Ganguly Devi Sen. And then after I tell you this movie of reference, Awara's movie is the release cast and release date in Meerut. Book My Show and bookshow.com later between 23 October 2012. And then after I will tell you comeback of this movie actors Jeet. Jeet's character is very very clear and Jeet is an Indian actor of the producer television and presenter who is product ministry work of Bengali cinema. He is one of the biggest star in Bengali cinema. And Jeet is born is Jashipa Morgan, 30 November 1978, Kalighat, Kolkata. Jeet is nationality of India. Jeet is occupation of actors, model, of singers, producer. And Jeet network is Sathi. Notable work Sathi, Awara, The Royal Bengal Tiger, Boss Born of Rules, Boss to Back to Rules, Sultan the Sorveer. Suspense, Supposes, Sponsors, Mohan Ratlani, Children 1, and Award Full List, Website Jeet. Career. Jeet started his modeling career in 1993. He is the first acting assignment was 1994-95, a Bengali TV serial directed by the Vishnu Palachudri. He made his big screen debut with Chandu 2001. His Telugu film is the first success came in 2002 opposite Priyanka Tridevi. Thurushati, a highly successful romantic drama directed by Harinath Chakrabarty, for which he won the Bengal Film Journalist Association Most Promising Actor Award and Lok Award is the best actor in the same year of the acted in the Bengali remake of Jo Jeeta Wahi Sikandar. This initial success was followed by the other critical and commercial success including The Nature Guru and Snake Bandhna and Yodha. In 2005, he acted alongside Koyal Malik in Nature Guru, which relates to critical and commercial success in featured him is the second and Mandaloka the award, the best actor. This success was short-lived in Jeet, started in some commercial failure, including the Istantra, Priyottama, and Ghatak. But this failure was short-lived in Jeet, started in Jor, which it became box office hit. 2010 proved to be his commercially successful years for Jeet as he started in Wanted and Dui Prithibi, both which were critically and commercially successful venture, the latter being the highest grosses of 2010 according to a study conducted by FICCI and Deloitte. In 2013, he appeared in the crime thriller Boss Born of the Rule, which was Jeet's first pan-India release. The film proved to be one of the biggest hits in the 2013, grossing $67.5 million and also earned him his first Family Fair Awards East nomination. From 2014 to 2016, he was started in many films, including four critically and commercially successful ventures and the psychological thrillers, The Royal Bengal Tiger and comedy thriller Bachchan, the action comedy Bhasha the Dawn, and more recently the action drama Abhiman and the 2018 the action thriller film Bhag Bandi Kehla, released on 16 November 2018. In television, as he appeared in several reality shows, he also hosted some including Koti, Takes Baji and Big Boss Bangla. Personal life, Jeet was born into a Sindhi family. He had reportedly
बीन द रिलेशनशिप विद हिज को स्टार स्वास्तिका मुखर्जी ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ फिल्म मस्तान. जी सब्सिक्वेंटली मैरिड मोहन रत्नाली ए स्कूल टीचर फ्रॉम लखनऊ इंडिया 24 फरवरी 2011. दे बिकम पेरेंट्स इज टू द डॉटर्स ऑफ 20,000 to 12,000 and 12 December. Filmography 1993 and 1995. Jeet started with modeling assignment and then shifted to several like in 1994-95 directed by Vishnu Planchuduri in the which is played Trishan in Jani by the Vishnu in which of the played Anil and Durgahars of country by Tapan Sinha in which he was cast in the roles of Chimpaya and Kandabini. 2001 to 2004. Jeet calibrated of the Haranath Chakrabarti and Nature Guru which had a Deochan Squail Malik in the female leads. He led letters accepted with Priyanka Tridevi in the first Sengi released to 14 June 2003 in 2004. His first film was the with Reema Sen named the Shakti. His other film is the year including Premi, Mastan Across and Bandhan 2005 to 2008. In 2005 he acted in Yodha along with Mastan Chakrabarti, Dev Shri Roy and Koyal Malik. In 2005 Jeet collected boarded with Koyal Malik in Subha Drishti and Manik, both directed by Prabhat Roy. Jeet won the Analog Awards for Best Actor for Manik. Jeet again acted with Koyal Malik in two consecutive films, Ghatak and Hero. He played Govindal and Royal Sen is the directional Venture Krishna Kanta Will which started Swastika Mukherjee and Monali Thakur as the female leads. His next film was Harishita Bhatt titles the Bidhalar Lekha which is the started the Priyansu Chatterjee as the man antagonist. The film explore two lovers and their relationship in their last life of the Lord had come of two tragic and the pair confront each others against in the current in correction. He against collaborates with the Swastika Mukherjee for the film partner and 2008 Jeet collect board with Barsa Priyas Sudarshan Sen Jor which made in the Bugest 1.25 crores 7 weeks in their end proved to be hit in the box of office. Jeet appeared with Koyal Malik in the film star the Pek Bandha and Neil Akshar Chandani. He started his Dupartivi which was released on 14 October 2010. Dupartivi was a highest grosser to 2010 according to study of conducted of the FICCI and Deloitte. Jeet Naik started the Sarbanti Chatterjee in The Fighter, the remake of the Telugu film The Lakshyam. He works with Nature Guru with Nusrat Jahan and the Raja Chakrabarti's actors come Sotru which was remake of the Tamil film Singham. Roshni Mukherjee of the film The Times of India gives the film a positive review. Jeet respected with the Priyanka Tridevi and Hello Mosabhibd 2012. He becomes a producer with the movies of 100% Love in which also acted together the
विद कोयल मलिक ही सेकेंड फिल्म ऑफ 2012 एंड विद संतिका बजनर्जी एंड आवारा विच वॉज द हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ ईयर 2012-2013 अप्रिटेड इन द गैंगस्टर ऑफ एक्शन फिल्म बोस द शुभ श्री गांगुली विच वॉज द रीमेक ऑफ महेश बाबूस एंड बिजनेस मैन ऑल्दो द फिल्म रिसीव्ड द मिक्सड रिव्यूज फ्रॉम द क्रिटिक्स जया विश्वास ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया wrote that Jeet can the decide the fight of the most of the will Jeet won the Kalakar Awards of the Knife King of the Tollywoods the film for the also nominated to the best actor of the inaugural ceremony of the Filmfare Award of the East. आवारा इज ए 2012 बंगाली रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म. इट इज़ ए रीमेक ऑफ द 2008 तेलुगु मूवी कृष्णा हैविंग रवि तेजा एंड त्रिशा कृष्ण इन द लैंड रूल्स डायरेक्टेड बाय रवि किनेगी असिस्टेंट डायरेक्टर पथिरकृति बसु एंड प्रोड्यूस्ड बाय द श्री वेंकटेश फिल्म एंड दिस फिल्म स्टार्स जीत एंड शंतिका बनर्जी इन लैंड रोल्स इन दिस फिल्म खराज मुखर्जी एज मदन इम्प्रेस्ड द ऑडियंस द फिल्म इज ए प्लेस्ड लिस्ट ऑफ हाइएस्ट ग्रोसिंग बंगाली फिल्म एंड डायरेक्टेड बाई दिस मूवी रवि किनेगी स्क्रीन प्ले बाई दिस एन के सेल प्रोड्यूस बाई द श्री वेंकटेश फिल्म स्टार्टिंग द जीत शंतिका बनर्जी मुकुल देव आशीष विद्यार्थी एडिट बाई द मोहनमंद कलाम म्यूजिक बाई जीत गांगुली देवसेन प्रोडक्शन कंपनी इज द श्री वेंकटेश फिल्म डायरेक्टेड बाई द श्री वेंकटेश फिल्म रिलीज डेट ऑफ द 13 July 2012 रनिंग टाइम ऑफ द 160 मिनट इज द लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड लैंग्वेज ऑफ बंगाली एंड कंट्री ऑफ इंडिया दिस मूवी प्लॉट इज द फिल्म इज अबाउट सूर्य नारायण जीत हु वॉज वंस ऑफ सॉफ्टवेयर engineer but quite this job of give to his poor friend and it is a unemployed of the city of Koch Bihar. Pulumi is the girl from the Kolkata who studies in college and comes to Koch Bihar for her vacations to stay with her elder brother Madan Mohan. And his wife Surya falls in love with Polumi at the first sight of the rains Mela and starts kissing her to win her heart and in either the uppers. Protection of their house is tense with this elder brother upon the Narayana. And sister is love in this process Surya will have class with local रोडी सना पंचा मस्कटिंग हिम टू बी वन ट्रोपोई पोलुमी हेट्स हिम फर्स्ट बट लेटर ऑन सी रियलाइज हिज ट्रू नेचर सी रिटर्न टू कोलकाता एंड लाइफ विद हर ओल्डर ब्रदर ए फॉर्मर बिल्डर्स द नाउ ए वेरी पावरफुल रोडी हुज वेरी प्रोसेस एंड protective about his sister Surya follows Polumi to Kolkata and works his way into their house with the help of Madan Mohan and finally both of them causes their loves their Surya know the flashback and Polumi and how she is being changed by the natures and clear Tony Bharadwaj assisted by the uncle for the marriage Surya fights Tony Polumini's older brothers kills Tony and Surya marries Polumini cast Jeet Surya Narayana is the role in this movie Santika Polumi is the role of in this movie Mukul Dev Tony Bharadwaj who control all the local MLAs and ministers Ashish Vidyarthi इंद्रजीत खराज मुखर्जी मदन मोहन
कमालिका बनर्जी, मदन मोहन स्वाइप, सुप्रिया दत्ता, गुनोगधर चक्रवर्ती एंड टोनी अंकल्स, विश्वजीत चक्रवर्ती, अपेंद्र नारायणा, सूर्या सबरदार, तुलिका बोश सूर्या सिस्टर्स इन लॉ, विश्वास बसु सूर्यस फ्रेंड, तमल रॉय चौधरी, सनातन पंजा, सुभाष मुखर्जी, द मैन हु गिव्स रूम्स ऑफ द रेंट ऑफ सूर्यस इज पुलुमी, मौसमी दास, प्रशंता डॉटर्स, ऋतु दोई बुबई अमुंदर दा, सूर्या स्निपर्स, राजा गांगुली, परसेंट क्रिसमस ऑफ द म्युनिसिपल्स कॉरपोरेशन, और अरुण बनर्जी एडवोकेट ड्यूएल भौमिक। साउंड ट्रैक रिलीज ऑफ 13 जुलाई 2012, रिकॉर्डेड 2012 एंड लैंग्वेज ऑफ बंगाली, लेबल ऑफ SVF, प्रोड्यूसर ऑफ श्री वेंकटेश फिल्म्स। आवारा द सॉन्ग रिलीज 2012 जून 2012, पोरले मोने रिलीज 22 जून 2012, मोनिर रेडियो रिलीज 27 जून 2012, फुल कोली रिलीज 3 जुलाई 2012, जीत गांगुली जाने मन 2012, आवारा 2012 एंड पगलू 2012, देव सिंह कैनगोलॉजी ऑफ द आवारा 2012, दीवाना 2013। ऑल म्यूजिक कंपोज्ड बाय जीत गांगुली, देवी सेन। एंड देन आफ्टर आई टेल यू दिस मूवी ऑफ रेफरेंस, आवारा मूवी इज द रिलीज कास्ट एंड रिलीज डेट इन मेरठ, बुक माई शो एंड बुक शो डॉट कॉम रिटर्विड इन 23 अक्टूबर 2012। एंड देन आफ्टर आई विल टेल यू कम बैक ऑफ दिस मूवी एक्टर्स जीत, जीत इज कैरेक्टर इज वेरी वेरी क्लियर एंड जीत इन इंडियन एक्टर ऑफ द प्रोड्यूसर टेलीविजन एंड प्रेजेंटर हु इज प्रोडक्ट मिनिस्ट्री वर्क ऑफ बंगाली सिनेमा, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार इन बंगाली सिनेमा। एंड जीत इज बोर्न इज जशिपा मोर्गन 30 नवंबर 1978, कालीघाट कोलकाता। जीत इज नेशनलिटी ऑफ इंडिया, जीत इज ऑक्यूपेशन ऑफ एक्टर्स मॉडल ऑफ सिंगर्स प्रोड्यूसर एंड जीत जीत नेटवर्क साथी नोटेबल वर्क साथी आवारा द रॉयल बंगाल टाइगर, बॉस बोर्न ऑफ रूल्स, बॉस टू बैक टू रूल्स, सुल्तान द सोरवीर। सस्पेंस सपोशस स्पॉन्सिस मोहन रतलानी, चिल्ड्रन वन एंड अवार्ड फुल लिस्ट वेबसाइट जीत। कैरियर जीत स्टार्ट इज मॉडलिंग कैरियर इन 1993, फर्स्ट एक्टिंग असिजमेंट वाज 1994-95, ए बंगाली टीवी सीरियल डायरेक्टेड बाय द विष्णु पलचुधरी। ही मेड हिज बिग स्क्रीन डेब्यूट विद चंदू 2001। इस तेलुगु फिल्म हिज द फर्स्ट सक्सेस केम इन 2002 अपोजिट प्रियंका त्रिदेवी। थ्रू साथी ए हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा डायरेक्टेड बाय हरिनाथ चक्रवर्ती, फॉर विच ही वोन द बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रोमिसिंग एक्टर अवार्ड एंड लॉक अवार्ड इज द बेस्ट एक्टर इन द सेम ईयर ऑफ द एक्टेड इन द बंगाली रीमेक ऑफ जो जीता वही सिकंदर। दिस इनिशियल सक्सेस वॉज फ्लोविड बाई द अदर क्रिटिकल एंड कॉमर्शियल सक्सेस इंक्लूडिंग द नेचर गुरु एंड स्नेक बंदना एंड योद्धा। इन 2005 ही एक्टेड अलोंग साइड कोयल मलिक इन नेचर गुरु विच रिलेट्स टू क्रिटिकल एंड कॉमर्शियल सक्सेस इन फेचुड हिम इज द सेकेंड एंड मंडलोक द अवार्ड द बेस्ट एक्टर। दिस सक्सेस वॉज शॉर्ट लिव इन जीत स्टार्टेड इन सम कॉमर्शियल फेलियर इंक्लूडिंग द इष्टेंत्रा प्रियोत्तमा एंड घातक, बट दिस फेलियर वॉज शॉर्ट लिव्ड इन जीत स्टार्टेड इन जोर विच इज बिकम बॉक्स ऑफिस हिट।
2010 proved to be commercially successful years for Jeet as he started in Wanted and Dui Prithibi, both of which were critically and commercially successful venture, the latter being the highest grosses of 2010 according to a study conducted by FICCI and Deloitte. In 2013, he appeared in the crime thriller Boss Born of the Rule, which was Jeet's first pan-India release. The film proved to be one of the biggest hits in the 2013, grossing $67.5 million and also earned him his first Family Fair Awards East nomination. From 2014 to 2016, he was starred in many films, including four critically and commercially successful ventures and the psychological thrillers, The Royal Bengal Tiger and comedy thriller Bachchan, the action comedy Bhasha the Dawn, and more recently the action drama Abhiman and the 2018 the action thriller film Bhagbandi Kehla, released on 16 November 2018. In television, as he appeared in several reality shows, he also hosted some, including Koti, Tex Baji, and Big Boss Bangla. Personal life: Jeet was born into a Sindhi family. He had reported been the relationship with his co-star Swastika Mukherjee during the shooting of film Mastaan. Jeet subsequently married Mohan Ratnali, a school teacher from Lucknow, India, 24 February 2011. They become parents is to the daughters of 2012 and 12 December. Filmography: 1993 and 95. Jeet started with modeling assignment and then shifted to several, like in 1994-95, directed by Vishnu Planchuduri, in the which is played Trishan in Jani by the Vishnu, in which of the played Anil and Durgahars of Country by Tapan Sinha, in which he was cast in the roles of Chimpaya and Kandambini. 2001 to 2004, Jeet calibrated of the Haranath Chakrabarti and Nature Guru, which had a Deochan Skoyal Malik in the female leads. He later exited with Priyanka Tridevi in the first Sengi, released to 14 June 2003. In 2004, his first film was the with Reema Sen named the Sakti. His other film is the year, including Premi, Mastaan Across, and Bandhan 2005 to 2008. In 2005, he acted in Yodha along with Mastaan Chakrabarti, Dev Shri Roy, and Koyal Malik. In 2005, Jeet collaborated with Koyal Malik in Subha Drishti and Manik, both directed by Prabhat Roy. Jeet won the Anandlok Awards for Best Actor for Manik. Jeet again acted with Koyal Malik in two consecutive films, Ghatak and Hero. He played Govindal in Royal Sen is a directional venture Krishna Kanta Will, which started Swastika Mukherjee and Monali Thakur as the female leads. His next film was Harishita Bhatt, titles The Vidhalar Lekha, which is the started the Priyansu Chatterjee as the main antagonist. The film explored two lovers and their relationship in their last life of the Lord had come of two tragic
and the pair confronted each other against in the current incarnation. He against Clairbots with the swastika Mukherjee for the film partner. In 2008, Jeet Clairbots with Barsha Priya Sudarshan Sen Jor which made in the bogus 1.25 crores 7 weeks in their end proved to be hit in the box of opish. Jeet appeared with Koyal Malik in the film starred the Peg Bandha and Neil Akshar Chandani. The he started his Dupartivi which was released on 14 October 2010. Dupartivi was a highest grosser to 2010 according to study of conducted of the FICCI and Deloitte. Jeet Nayak started of the Sarbanti Chatterjee in the Fighter, the remake of the Telugu film The Lakshyam. He works with Nature Guru with Nusrat Jahan and the Raja Chakrabarti's actors come Sotru, which was a remake of the Tamil film Singham. Roshini Mukherjee of the film The Times of India gives the film a positive review. Jeet respected of with the Priyanka Tridevi and Hello Mosabhib. 2012, he becomes a producer with the movies of 100% Love in which also acted together with Koyal Malik. His second film of 2012 and with Santika Bajanerjee and Awara which was the highest grossing film of year 2012-2013 appeared in the Gangster of Action film Boss the Sub Shri Ganguly which was the remake of Mahesh Babu's and Businessman. Although the film received the mixed reviews from the critics, Jaya Vishwas of the Times of India wrote that Jeet can decide the fight of the most of the will. Jeet won the Kalakar Awards of the Knife King of the Tollywoods. The film for the also nominated to the best actor of the inaugural ceremony of the Filmfare Award of the East. Awara is a 2012 Bengali romantic action comedy film. It is a remake of the 2008 Telugu movie Krishna, having Ravi Teja and Trisha Krishan. In the land rules directed by Ravi Kinagi, assistant director Pathirkarthi Basu, and produced by the Sri Venkatesh film. And this film stars Jeet and Shantika Banerjee. In land rules in this film, Kharaz Mukherjee as Madan impressed the audience. The film is a placed list of highest grossing Bengali films. And directed by this movie, Ravi Kinagi. Screenplay by this N.K. Sale. Produced by the Sri Venkatesh film. Starting the Jeet, Shantika Banerjee, Mukul Dev, Ashish Vidyarthi. Edited by the Mohan Mand Kalam. Music by Jeet Ganguly, Dev Shen. Production company is the Sri Venkatesh film. Directed by the Sri Venkatesh film. Release date of the 13 July 2012. Running time of the 160 minutes is the language of India and language of Bengali and country of India. This movie plot is the film is about Surya Narayan Jeet, who was once of software a engineer but quite this job of giving to his poor friend, and it is a unemployed of the city of Koch Bihar. Palumi is the girl from the Kolkata who studies in college and comes to Koch Bihar for her vacations to stay with her elder brother Madan Mohan, and his wife Surya falls in love with Polumi at the first sight of the rains Mela and starts kissing her to win her heart and in either the uppers.
protection of their house is tends with this elder brother Apunder Narayana and sister is Lao. In this process, Surya will have class with local Rodi Shana Pancha musketing him to be one tropoi. Polumi hates him first, but later on she realizes his true nature. She returns to Kolkata and lives with her older brothers, a former builder, the now a very powerful Rodi who is very possessive and protective about his sister. Surya follows Polumi to Kolkata and works his way into their house with the help of Madan Mohan, and finally both of them cross their loves there. Surya know the flashback and Polumi and how she is being changed by the natures, and clear Tony Bharadwaj assisted by the uncle for the marriage. Surya fights Tony, Polumi's older brothers, kills Tony, and Surya marries Polumi. Cast: Jeet, Surya Narayana is the role in this movie. Santika Polumi is the role of in this movie. Mukul Dev, Tony Bharadwaj, who control all the local MLAs and ministers. Asis Vidyarthi, Inderjeet, Kraj Mukherjee, Madan Mohan, Kamalika Banerjee, Madan Mohan's wife, Supriya Datta, Gunugadhar Chakrabarti, and Tony uncles, Biswajit Chakrabarti, Apinder Narayana, Surya's brother, Tulika Bose, Surya's sisters-in-law, Biswas Basu, Surya's friend, Tamal Roy Chaudhary, Sanatan Panja, Subhas Mukherjee. The man who gives rooms of the rent of Surya's is Polumi. Mausimi Dash, Prashanta daughters, Ritu Doi, Bubai, Abundarda, Surya's nippers, Raja Ganguly, Percent Christmas of the Municipal Corporation, or Arun Banerjee, Advocate Dual Bhumik. Soundtrack, release of 13 July 2012, recorded 2012, and language of Bengali, label of SVF, producer of Sri Venkatesh Films. Avara the Song, released 2012, June 2012.